इसको बूट कर दिया है। इसमें सेलेक्ट करेंगे अपना कंट्री इंडिया, यूज़र जो भी यूज़र एग्रीमेंट है, वाईफाई इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है, कनेक्टिंग हो रहा है ऑनर एटेक्स के वाईफाई से। जो मेरा पुराना फ़ोन है उसके वाईफाई से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्टेड हो चुका है। नेक्स्ट, दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैं रूट बूट कर रहा हूँ। Realme 7 Pro का पंच होल डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है डिस्प्ले, काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले है इसका, कलर थोड़े पंची है और दिखने में ये फ़ोन पीछे से ऐसे दिखता है आपको, आपको मैं दिखा दूँ, जब इसको साइन पड़ती है तो इस टाइप से दिख रहा है, मैट कलर है। हमेशा कभी आप फ़ोन स्मार्टफोन जब परचेज़ करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप सील हमेशा इसकी पैक रहनी चाहिए, उसके बाद में ही आप अनबॉक्सिंग करें। फिजिकल और भी दिखा देता हूँ, ये पावर लॉक अनलॉक बटन है, ये वॉल्यूम रॉकर है, यहाँ पे आपका टाइप सी पोर्ट है, ये आपकी स्पीकर ग्रिल है, 3.5 mm जैक भी है, आपका प्राइमरी ऑडियो यानी प्राइमरी माइक्रोफोन, और ये सेकेंडरी माइक्रोफोन यहाँ पे दे रखा है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ बता रहे हैं ये ओल्ड डिवाइस में कुछ ऐसा कॉपी करने के लिए, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, अभी अपन को कुछ अपडेट करना नहीं है, डोंट कॉपी, बाद में देखते हैं इसको, पहले आपके सामने एक रिबूट कर देता हूँ उसको। मेरा पहला एक्सपीरियंस है दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग का, तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत है।